हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ बकले के दाल का बफौरी और पकौड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे हम नवरात्र के व्रत में या किसी भी व्रत में बनाते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम यहाँ धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं, लेकिन ये चाय के साथ भी टेस्टी लगता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाते हैं। व्रत में बकला के दाल से बफौरी या पकौड़ी बनाने के लिए हमें इन सभी सामग्री की आवश्यकता होती है। यहाँ हमने 300 ग्राम बकला का दाल लिया है और इसे हमने साफ से बिन लिया है। ये कुछ कटी हुई धनिया की पत्ती, ये व्रत में डालने वाला सेंधा नमक, यहाँ हमने इस प्रकार का नमक यूज किया है। मार्केट में इसका पिसा हुआ नमक भी मिलता है, आप चाहे तो उसे भी यूज कर सकते हैं। ये 4-5 हरे मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 10-20 काला मिर्च। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाते हैं। इसे हम अच्छे से 1-2 पानी धुलेंगे और रात भर इसे हम भिगो करके रख देंगे। रात भर पानी में भिगोने पर ये इस प्रकार फूल करके तैयार हो गया है। अब इसे हम सिलवट्टे या मिक्सर में थोड़ा दरदरा पीसेंगे। इस नमक को हम थोड़ा पतला करेंगे, यानी कि कूट लेंगे, जिससे ये पीसने में आसान रहता है। फर्स्ट हम इन मसालों को पीसेंगे और इसी में हम हरे मिर्च को कट करके डालेंगे और इस कुटे हुए सेंधा नमक को डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और चाहे तो हम इसमें 1 चम्मच धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम 2-4 चम्मच पानी डाल करके इसे पीसेंगे। अब इस पीसे हुए मसाले में ही हम दाल को भी डाल करके पीसेंगे। इस प्रकार पीसने से ये दाल और मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखिए, ये आपस में मिक्स हो गया है। हम बाकी दाल को भी इसी में पीस लेंगे। सारा दाल अच्छे से पीस गया है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा कटी हुई हरी धनिया की पत्ती को डालेंगे। धनिया की पत्ती ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तभी आप इसे ऐड कीजिएगा। इस प्रकार हमारा ये बैटर बफौरी या पकौड़ी बनने के लिए रेडी है। फर्स्ट हम बफौरी बनाएंगे। बफौरी को बनाने के लिए हम गैस ऑन करके उस पे भगोने में पानी करके रखेंगे। पानी को हम गर्म करेंगे। अब हम इस तरह का जालीदार थाली लेंगे, इसे हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। घी से ग्रीस करने पर ये आसानी से बफौरी को छोड़ देता है। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें हम इस थाली को रखेंगे और अब हम अपने पसंद के आकार का बफौरी बना करके इस पे रखेंगे। अब इसे हम ढक करके भाप में पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम दूसरी साइड कढ़ाई को रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, अब इसमें हम देसी घी को डालेंगे। घी बढ़िया से गर्म हो गया है, अब इसमें हम इस पकौड़ी को बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घी ज्यादा अवेलेबल ना हो तो आप इसे तवा पर भी चिपटा चिपटा करके बना सकते हैं। इधर ये तल रहा है और इधर हमारा ये बफौरी भी बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक ही साथ ये पकौड़ी और ये बफौरी भी तैयार हो गया है। हम इसे 1 मिनट बाद इसमें से निकालेंगे। इस प्रकार इसे भी हमने तल लिया है, बाकी को भी हम तल लेंगे। इस प्रकार हमारा पकौड़ी और बफौरी दोनों तैयार है।
इस गर्मा गर्म बफौरी और पकौड़ी को हमने धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है, जो बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है। इसे हम 9 दिन के नवरात्र व्रत में या किसी भी व्रत में बना करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बकले के दाल का बफौरी या पकौड़ी बनाने की रेसिपी पसंद आया हो तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल मिनी स्वीट डिशेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी प्यारी फ्रेंड मिनी।